3 साल बाद कैसे बनी निशाना? वो आदमी कहता मैं तुम्हारी टीचर का भाई हूँ और तुम्हारी टीचर ने मुझे बेचा। एक शैतान ने पूरे शहर को परेशान कर दिया। हथौड़े में डाल के तो नहर में फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे इसको धमकियां लगाता रहा। खातून टीचर का भाई बनकर मुलजिम कैसे बिछाता रहा जाल? तुम्हारा घर खाली था जी। तो तुमने कहा ये अच्छा मौका, एक बच्ची को मैं घर ले जाता। इमाम मस्जिद के भेस में शैतानी चेहरा बेनकाब। उसकी आंखें बह रही हुई थी, वो डर गई थी बहुत ज्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। यके बाद दीगरे ऐसे वाकयात होते जा रहे हैं गुज़श्ता चंद सालों से कि रूह कांप उठती है। छोटे छोटे बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उनकी जान ले ली जाती है और उसमें बहुत ही मकरूह और घिनौने किस्म के अफराद जो हैं वो सामने आते हैं। ये मकरूह और घिनौने चेहरे ऐसे ऐसे रूप धारे हुए हैं कि इनकी पहचान करना आसान नहीं। अब कोई कैसे यकीन करे कि सलाखों के पीछे खड़ा ये बारिश इंसान एक दीनदार शख्स के रूप में छुपा शैतान है। इस जिनसी दरिंदे की ऐसी ऐसी शर्मनाक हरकत सामने आई कि पुलिस भी चकरा कर रह गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुजरांवाला शहर की सड़कों पर साइकिल पर घूमता ये बारिश इंसान हर वक्त स्कूल जाने वाली नन्ही तालबात के ताकुब में रहता है। वाला का ये खानदान कैसे ना करे इस भेड़िए को इबरतनाक सजा दिलवाने का मुतालबा। इस खानदान की नन्नी परी को स्कूल जाते हुए कैसे वरगलाया इस शैतान ने। बच्ची को साइकिल पर बिठाकर ये शैतान कहाँ ले गया? पुलिस ने कैसे लगाई खोज? मुलजिम ने क्यों रचाया अगवा का ड्रामा? किताबें देने के बहाने शैतान कहाँ ले गया? बंद कमरे में मासूम बच्ची को कैसे अजियतें दी गयी? खौफनाक हकाइक जानकर कैसे गुजरांवाला शहर में फैल गया खौफो हिरास? आज का प्रोग्राम नन्ही तालबात से वालिदैन तक सभी को झंझोड़ने वाला है। इस सारे काम के मुलव्वस जो इंसान था उसको हम अपने मुआशरे में बहुत इज्जत देते हैं। उसकी बातों पर हमारा एतकाद और हमारा ईमान पुख्ता होता है। उसकी बातें सुनकर हमें नेकी की राह मालूम होती है। वो इंसान एक इमाम मस्जिद था। उसने इस फैमिली से, जो कि इफ्तखार साहब की फैमिली है, इसके साथ क्या किया, इनकी बच्ची के साथ किया गया और गुजरांवाला में मौजूद बाकी बच्चियों के साथ वो क्या करता रहा, कहानी खुलती जाएगी और आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस प्रोग्राम को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि जो देखता है वही अपने बच्चों को ऐसे शैतानों से बचाने की तदबीर कर सकता है। मेरे साथ इस वक्त मासूम आमना की वालदा हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असीम बीबी, अब मुझे बताइएगा कि आपकी बच्ची किस स्कूल में जाती थी, किस क्लास में पढ़ती थी? मेरी बच्ची गुजरांवाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है। बाकी बच्चियों की तरह इस खानदान की नन्नी परी भी रोज पढ़ने जाती, लेकिन इन मासूम बच्चियों को खबर ना थी कि रास्ते में कोई शैतान घात लगाए हुए है। इस वक्त मुबैना मरकजी मुलजिम मोहम्मद अली यहाँ पर मौजूद है, साबका इमाम मस्जिद था ये नारोवाल में, इससे बात करते हैं। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 28 साल। तो मस्जिद के इमाम कैसे बने थे? हिफ्ज किया था जी। फिर हाफ़िज़े कुरान? और फिर जी हाफ़िज़े कुरान के बाद मैंने किताबें वगैरह पढ़ी। फिर वो कब की बात है, तालीम कब तुम्हारी खत्म हुई? तकरीबन कोई 8-9 साल हो गए, उसके बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते कहाँ थे? मैं नारवल पढ़ा रहा था, मदरसे में जी। बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चियों को पढ़ा रहे थे? बच्चों को। बच्चे भी मोलेस्ट किए? नहीं। मैं न मानों की तकरार लगाने वाले इस शख्स को नारोवाल के मदरसे से भी निकाल दिया गया था, तो क्या वहाँ से निकालने के पीछे भी थी यही वजह? यहाँ पर आके सही काम कर रहे हो तो वहाँ पे तुमने अंधी मचाई भी होगी जब बच्चे तुम्हारी दस्तरस में थे, तुम्हारे अंडर पढ़ते थे। नहीं, वो इसलिए हमने छोड़ा था क्यों, जो मोहतम साहब थे ना वह हमारे एक तो महीने की तनख्वाह रख लेते थे और राशन वगैरह भी रख लेते थे, और हमारी मेरी जो बीवी है वहाँ पढ़ाया करती थी। जी। तो बीवी पढ़ाती भी है? नहीं, बीवी सिर्फ खाना वगैरह पकाती थी। इस आदमी की बीवी भी है और इसके बावजूद इसने 3 बच्चियों के साथ ये घिनौना खेल यहाँ गुजरांवाला में खेला। अपने बच्चों से जरूर पूछें कि आपको पढ़ाने वाला कारी साहब जो है, जो आपके बच्चे को चाहे घर में आके पढ़ा रहा है चाहे मदरसे में पढ़ा रहा है, वो किसी तरह से आपके बच्चे पे गलत तरीके से हाथ तो नहीं रखता, आपकी बच्ची पे गलत तरीके से छूता तो नहीं है? इस तरह की बात पेरेंट्स को करनी चाहिए, क्योंकि ये रोज़ रोज़ ऐसे वाकया सामने आ रहे हैं। और इस आदमी ने, ये साहब का इमाम मस्जिद था, ये बच्चों को कुरान पाक की तालीम देता था,
और इसने उसके बाद यहाँ पर 3 बच्चियों को अगवा किया, उन्हें मोलेस्ट किया और जिंदगियाँ बच्चियों की बच गई, लेकिन उनके साथ जो जो हुआ वो शायद जिंदगी भर ना भुला पाए। ये नाम निहाद उस्ताद कैसे अपने मकाम और मर्तबे को भूल गया, कैसे एक इंसान शैतानियत की सारी हदें फैलांग गया। हकायक जानकर गुजरांवाला पुलिस भी चौंक उठी। मुझे बताइएगा कि कैसे सारा वाक्य जब आप तक पहुंचा, पहले इतला हुई 15 पे कॉल हुई, तो क्या आप लोगों ने स्ट्रेटेजी बनाई? इसमें इस तरह हुआ था जी कि तकरीबन 8 बजे वो बच्ची को वो लेके चला गया हुआ था, तो 10 बजे पहले तो वो ढूंढते रहे अराउंड कि मिल जाए बची, लेकिन वो नहीं मिली, तो फिर उन्होंने 15 पे कॉल की, 10 बजे हमें इतला हुई जी। तो फिर RPO साहब को बताया, तारिक कुरैशी साहब को, डॉक्टर मोइन मसूद जो CPO गुजरांवाला है, उन्होंने फिर स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा जी ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसमें आप, उन्होंने टीमें तश्कील दी और 2 SHOs पर मुश्तमिल, SHO फिरोजवाला और SHO पीपल्स कॉलोनी, उन्होंने ये उनको इलाका जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इन टीमों पर मुश्तमिल फिर आगे उनकी सब टीम्स ने काम स्टार्ट कर दिया। ये शख्स इंतहाई चालाक था। मुलजिम ने जिस स्कूल का इंतखाब किया, वो स्कूल और वो गली CCTV कैमरों की रेंज से बहुत दूर थे और बच्ची का ताल्लुक भी इंतहाई गरीब घराने से था। जारी बात है, आप जैसा कि आप देख रहे हैं गरीब फैमिली है, खुद ये मेहनत कर रही हैं, दूसरे घरों में काम कर रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, और जब ऐसे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो किस किस तरह के दरिंदे मौजूद हैं ये सोचते हैं, तो यकीन मानिए यकीन नहीं आता कि हमारा मुआशरा किस डगर पे जा रहा है। आपने उस दिन स्कूल छोड़ा जी? अच्छा, फिर क्या होता है? फिर मैं अपने काम पे चली जाती हूँ और आधे घंटे बाद मुझे कॉल जाती है कि आधे घंटे बाद ही जी हाँ। कि आमना स्कूल नहीं पहुँची, यानी कि स्कूल के बच्चे आए हैं वापस, हमारे घर टीचरों ने भेजे हैं कि आपकी बच्ची जो है ना वो स्कूल बाहर से गुआ हो गई, ये कोई साइकिल पे ले गया मौलवी। अच्छा, यानी बच्चों ने देखा उसको जाते हुए? जी, 3-4 बच्चियाँ थी और मौलवी ने ऐसे ही फोन का नाटक किया कान के साथ लगा के, जी मैं स्कूल पहुंच गया हूं और बच्चे मेरे पास हैं, बच्चे को पूछा आपका नाम क्या है, जैसे बच्चे आगे आगे होके बोलते हैं जी मेरा नाम है, आपकी टीचर का क्या नाम है, मेरी टीचर का नाम साजदा है, और उसने कहा ठीक है बाजी साजदा मैं पहुँच गया हूं। कहने लगा कि मुझे आपकी टीचर की कॉल आई है, मैंने आपको किताबें देनी है, कापियाँ दे के तो मैं छोड़ जाऊँगा आपको। वो बच्ची थी वो बेचारी बैठ गई, ये दूसरे बच्चे भाग गए हैं स्कूल। ये शैतान ने कैसे खेला ये सारा खेल। स्कूल वाली गली में पहुंचकर टीम इंकशाफ पर हुए हैरत अंगेज इंकशाफात। इस वक्त मेरे साथ हेडमिस्ट्रेस साहिबा मौजूद हैं जो इस स्कूल में बच्चों को बहुत ही जानफिशानी के साथ पढ़ा रही हैं, उनकी तालीम और तरबियत कर रही हैं। मिसबा साहिबा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मिसबा साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि जो यहाँ हालात है वो तो हम देख ही रहे हैं कि आप कितने मखदूश हालात में बच्चों को तालीम दे रही हैं, और फिर उसके बाद ये होता है कोई आदमी आता है और साहब का इमाम मस्जिद होता है बाहर खड़ा होता है और किसी टीचर का नाम लेके बच्ची को अगवा कर लेता है। हाँ, तो जब ऐसे वाकयात आपको पता चलते हैं तो फिर आपका पहला रद्दे अमल क्या होता है, किस तरह से आपने उस दिन इस मामले को देखा? मैं जब स्कूल आई हूँ ना तो वो जो मिस का नाम लेके गया ना वो मेरी सिस्टर है। अच्छा, हम दोनों इधर पढ़ा रहे हैं। वो पहले मेरे घर सुबह आई है तो फिर हम इकट्ठे आए हैं इधर चांदगढ़ पे। तो वो जब हम अंदर गए हैं ना तो मैं थोड़ी देर जरा बाहर खड़ी रही हूँ, उसके बाद वो मिस साजदा को कहते हैं कि वो आप ना मेरी सिस्टर को नहीं लेके आए, तो वो ना खुद रोने ही लग गई है, कहती है क्या कौन सी है? मुझे तो नहीं पता, वो अभी आपका भाई आया वो लेके गया है, वो कहते हैं मेरे भाई तो अमेरिका में रहते हैं। वो जो आपकी बहन भी लगती है? हाँ जी, ठीक है। साजदा ने कहा कि वो तो मेरे भाई तो अमेरिका में रहते हैं, मेरे तो भाई इधर आया ही नहीं साइकिल पे। वो कहती है नहीं, उसने रोना शुरू कर दिया। आप जब स्कूल गईं अपनी बहन के साथ, रोज जाती थी आप स्कूल? जी। उस दिन क्या हुआ था जब आप स्कूल गईं, जब आपको अगवा किया था उस आदमी ने, क्या हुआ था? वो आदमी कहता मैं तुम्हारे टीचर का भाई हूँ और तुम्हारे टीचर ने मुझे भेजा तो मैं बुक्स वगैरह कापियाँ मैं दिलवा के तुम्हें मैं वापस छोड़ जाऊँ, और वो लेकिन वापस नहीं आया। आपके सामने आपकी बहन को लेके गया? जी। तो उसने आपसे बात करने की कोशिश की या सीधा इसी से बात की? बस इसी से बात की। और आप स्कूल के बाहर खड़े हुए थे जी, और बच्चे भी थे वहाँ पे? मेरी 2 दोस्तें थी और एक लड़का था। जब आपने देखा कि आपको बिठा के एक आदमी ले गया, फिर आपने क्या किया? मैं इसकी टीचर स्कूल गई है, मैंने इसकी टीचर को बताया, इसकी टीचर कहती है मेरा भाई तो कोई भी नहीं है इधर। फिर टीचर ने लड़कों को स्कूल से भेजा हमारे घर, फिर मेरा चाचू आया, ये जो ये वाला चाचू आया और इन्होंने गए, फिर मुझे बिठाया गाड़ी पे और हम देखने चले गए हैं। फिर अम्मी को भी चाचू ने फ़ोन किया और अम्मी को भी बताया। अच्छा, आपको कॉल आपके देवर की आई थी? जी।
मासूम बच्ची को साथ ले जाने वाला शैतान कौन था? क्या वो वाकई टीचर का भाई था या उसने खातून टीचर का महज नाम इस्तेमाल किया? परेशान हाल वर्षा स्कूल के अमले से ना पूछते तो किससे पूछते? मैं अंदर गई हूँ तो मुझे बच्चों ने घेरा हुआ है, तो मैंने कहा क्या मसला है इधर, कुछ मसला हुआ है? कहती है हाँ मसला नहीं मसाइल, बहुत बड़ा मसाइल हो गया। मैंने क्या हुआ है? वो कहती है ये देखो वो जे मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आपका भाई आया को ले गया। मैंने तो ना वो देखा ना था, 115 पे फ़ोन कर। यहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ है? कैमरा? कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप सड़क की हालत देखें। हाँ, क्या हालत है यहाँ पे, कैमरा क्या लगेगा? तैयब शाह नाम था इधर ना, फरोज वाला जो है ना पुल के साथ नहीं पुलिस की चौकी बनी हुई वहाँ वो बच्चा काम करता है, उसका मेरे पास नंबर था। मैंने डायरी निकाली उसमें से उसको नंबर निकाला, उसको फ़ोन किया। वो कहता मेरी रैश मॉडल टॉम है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ मैडम और मैं इंशाल्लाह आधे घंटे तक आपके पास आता हूँ। 15 पे आप कॉल कर चुकी थी? हाँ मैं हाँ कॉल कर चुकी हूँ। उसके बाद अभी 5 महीने नहीं गुजरे तो के घर से माशाल्लाह 8 अफराद 7 आ गए हैं, चचे उनकी पुप्पो उनकी अम्मी सारे आ गए हैं, तो वो आके रोने शुरू कर दिए। हमारी बच्ची कहाँ गई? मैंने कहा वो बच्ची की जिम्मेदारी मेरी थी अगर वो स्कूल के अंदर आती, अब मेरी जिम्मेदारी है भी और नहीं भी, क्योंकि वो अगवा हुई है सड़क से, इस सड़क के ऊपर से वो लेके गए, तो फिर भी वो मेरी बच्ची थी। तो वो अगवा किस जगह से? वो जगह दिखाएंगे? वो नहीं जगह, ये जहाँ चांद गाड़ी खड़ी है ना, ठीक है, जहाँ चांद गाड़ी खड़ी है इधर ही वो खड़ा हुआ साइकिल। साइकिल पर खड़ा ये शख्स कौन था? अभी तक किसी को खबर न थी कि ये वो शैतान था जो नारोवाल में जुल्म ढाने के बाद अब गुजरांवाला शहर में खेल रहा था शैतानी खेल। इसके बाद पहली बच्ची को तुमने कहां पर देखा? पहली बच्ची को मैं इधर छोड़ गया था जनाब। वो कौन थी, कहां से मिली तुम्हें, किधर से पकड़ा था तुमने उस बच्ची को? इधर बाजार से ही जनाब। कौन थी, तुम इसे पहले से जानते थे? नहीं। और क्या उम्र थी उसकी? तकरीबन कोई 8-9 साल थे। फिर बच्ची को कहाँ लेके गए? नहीं बच्ची को मैंने नहीं लेकर गया था, तो बच्ची के जो वाले साहब थे पहले मैं उनके साथ मिस्त्रियों का काम ही करता था। यानी जिसके साथ तुम काम करते थे उसी की बच्ची को उठा लिया तुमने? हम मैंने सिर्फ इतना ही पूछा था कि आपके अब्बू कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि ना वो मंडी में गए हुए हैं, तो मैं बच्ची को वहीं छोड़ कर चला गया था। मासूम बच्चियों के साथ शर्मनाक हरकत करने वाला जिंसी भेड़िया एक बार फिर अपनी घिनौनी हरकत से इनकारी हुआ, तो हमें पुलिस अफसर को बुलाना पड़ा क्योंकि पुलिस इससे पहले कर चुकी थी मुकम्मल तफ्तीश। पहला बच्ची जो थी उसके साथ इसने क्या किया था? ये जब इसने पहला बकवा ये किया तो उसमें चूँकि बच्ची तो बरामद हो गई थी, खुद बखुद शायद इसने छोड़ दी वापस आ गई। तो बच्ची को लेके कहाँ गया था ये इसने? अभी इसके बारे में हमें जैसे आपको बयान दे रहा है इसी तरह हमें भी बयान दे रहा है कि उसने बच्ची को छोड़ दिया था और फिर बच्ची अपने घर वापस चली गई थी। किसी पार्क में लेके गया था ये? ये नहीं, ये जो इसकी मेरा मतलब है अपना बयान है वो यही है कि मैंने वहीं पे बच्ची से पूछा और बच्ची को वहीं बच्ची को पूछना तो मोलेस्ट्रेशन में नहीं आता ना, इसका तो मतलब इसने कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ इसने किया है, इसलिए केस पुराना है, हम उसके बारे में डिग आउट कर रहे हैं। एफआईआर हुई थी या फिर रिपोर्ट हुई थी? इसके एक रिपोर्ट हुई है, गुमनाम हुई है, उसमें मुलजिम का पता नहीं है वो ये है। तो ये अच्छा दूसरा केस जो था उसमें क्या रिपोर्ट हुई थी? इसमें एक ही केस रिपोर्ट हुआ है इससे पहले एक केस रिपोर्ट हुआ, उसमें वालदैन जो थे उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची घर वापस आ गई है, जो है ना वो भी ये कह रहे हैं कि अपना चूंकि हम इस केस को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी अजीब बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो ऐसे मामला में चुप हो जाते हैं, वो डरते हैं। अगर उस वक्त स्टैंड लिया जाता जब दूसरे बच्ची अगवा हुई थी, अगर उसके पेरेंट्स स्टैंड लेते तो के साथ ही सब कुछ ना कर पाता जो उसने अभी इसके साथ किया है। दूसरी बच्ची को कहाँ ले गए थे? इस पर रिपोर्ट हुई थी? उस पर तो रिपोर्ट हुई है। चलो ये तो केस प्रॉपर एफआईआर होगी ना, उसमें तो रिपोर्ट हुई है तुम्हारे बारे में, उस पर तो तुमने बच्ची छोड़ दी थी। पार्क में लेके गए थे? कहाँ लेके गए थे? नहीं कहीं भी नहीं लेके। फिर कहाँ लेके गए थे? वो बच्ची थी कौन? नहीं जनाब मेरा इल्म भी नहीं है, मैं नहीं। वो दूसरी बच्ची कौन थी? नहीं जनाब मुझे नहीं पता। मैं ना मानू की गर्दान पड़ने वाले इस भेड़िए की शर्मनाक हरकत के इंकशाफात दिल दहला देने वाले हैं। हमारे मकामी रिपोर्टर की तहकीक ने भी इस जिंसी दरिंदे के करतूतों का भांडा फोड़ दिया। 1.5-2 साल पहले एक थाना कैंट का इलाका है, वहाँ से इसने बच्ची को अगवा किया, अगवा करने के बाद वहाँ से ये फरार हो गया और बच्ची वापस घर में आ गई। और 1 साल पहले इसी थाना पीपल्स कॉलोनी से फकीरपुरा का मोहल्ला है वहाँ से बच्ची को अगवा किया, सीसीटीवी कैमरों में ये कैप्चर हुआ है लेकिन वाजिया नहीं हुआ। लेकिन जब ये तीसरा वाक्य ये पेश आया, वो उन दो बच्चों ने क्या किया उनको, मतलब इसके पास कोई जगह नहीं थी,
और उनको इसने एक एक बच्ची के बारे में सुना कि पार्क के अंदर उसने किया। वो एक बच्ची के साथ तो उसने किया, वो नाकाबले बयान है वो चीज़ें जो इस दरिंदा सिर्फ शख्स ने किया। जब जो दूसरी बच्चे के साथ किया तो ये मौके पर फिर वापस मोहल्ले में गया है, उधर अहले इलाके ने इसे पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया, लेकिन इसने शातिर दिमागी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इमाम मस्जिद जाहिर करवाया और वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। हर बार बचकर निकलने के बाद उसका हौसला मजीद बढ़ जाता। अब एक बार फिर इस शैतान ने खेला ये घिनौना खेल। लेकिन हैरत की बात यह है कि बच्ची के चचा ने भी भतीजे को इस भेड़िए के साथ जाते हुए देखा मगर खामोश रहा। आपको कब पता चला ये सब कुछ हो गया? आधे घंटे बाद पता लगा सी के बच्ची अगवा हो गई है। अही पोलाल जा रहे हैं, उन्होंने वेखिया भी है। जब वो अगवा करके लेके जा रहा था आपने देखा था? देखा था, हमने कहा इसका कोई टीचर होगा उसके साथ, ये आराम से बैठी हुई थी इसलिए तो हमें शक नहीं हुआ। तो बाद में आधे घंटे बाद हमें फोन आया तो हम फिर ढूंढने गए। क्या इसको आप जानते थे कि आपके इलाके में रहता है? पहले देखा था लेकिन ये नहीं था पता घर में है, इधर ही है इसका घर। इसका घर जी। फिर आपने क्या किया? फिर हमने ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिली तो हमने इधर घर आए, सबको बताया तो हमारा एक हमसाया वो इनके साथ गया तो वहाँ पुलिस को रिपोर्ट लिखवाने चले गए। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस कैसे मुतहर्रिक हुई, पुलिस कैसे पहुँची इस जिनसी दरिंदे के ठिकाने पर, ये सब दिखाएंगे आपको लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कमसिन तालबाद कैसे बनी निशाना? वो आदमी कहता है मैं तुम्हारी टीचर का भाई हूँ और तुम्हारी टीचर ने मुझे भेजा। एक शैतान ने पूरे शहर को परेशान कर दिया। हथौड़े में डाल के तो नहर में फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे इसको दम किया लगाता रहा। खातून टीचर का भाई बनकर मुलजिम कैसे बिछाता रहा जाल। तुम्हारा घर खाली था जी। तो तुमने कहा ये अच्छा मौका एक बच्ची को मैं घर ले जाता। इमाम मस्जिद के भेस में शैतानी चेहरा बेनकाब। उसकी आंखें बहर आई हुई थी, वो डर गई थी बहुत ज्यादा। तो 7-8 बजे मुझे कॉल आई थी कि अम्मी बोल रही है। मैंने कहा जी मैं अम्मी बोल रही हूँ, आप कौन है? कहता आपकी बच्ची मेरे पास है, 25 लाख रुपया दो वरना आपकी बच्ची की लाश मिलेगी। अच्छा, तो आपसे तावान मांगा उस जी। फिर? तो मैंने फिर बड़े तरले किए कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेहरबानी करके मेरी बच्ची को कुछ ना कहना, चलो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम करती हूँ, किसी से पकड़ती हूँ या घर भेज देती हूँ, ऐसे कैसे किया। लेकिन फिर फोन बंद हो गया, बाद में मेरी बात नहीं। क्या वाकई बच्ची को तावान के लिए अगवा किया गया या फिर इस दरिंदे ने तावान का ड्रामा रचाया? लेकिन क्यों आखिरकार इस राज से भी पर्दा उठ गया? जी बताइएगा कि इसका प्लान क्या था? इस दफा तो इसने कॉल करके तावान भी मांगा। एग्जैक्टली तो ये चाह क्या रहा था एक्चुअली? और एक गरीब फैमिली की बच्ची को अगवा करके 25 लाख तावान मांगना है? ये बेसिकली उन्हें एंगेज करना चाह रहा था। जब टीमें उधर मौजूद थी तो इसने अपने आप को अंदर जब लॉक किया तो वो कहता है जी पता चल गया था, पुलिस उधर मौजूद थी टाउन में, तो मैंने कहा इनको अंगेज करते हैं। ये भी इसने तावान भी जाहिर है, अगर ये अमीर फैमिली की हुई, क्योंकि अराउंड बंदे कारोबारी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो उसने कहा जी कुछ 2-4-5 लाख तो मिल ही जाएगा, 25 लाख की इसने डिमांड की। तो उसने पुलिस को अंगेज भी किया ताकि वो अपना जो नापाक इरादे हैं उनको पूरा कर सके। ये शैतान चल रहा था चाल पर चाल, दूसरी तरफ बच्ची के वुरसा गम से निढाल थे। वो वक्त कैसा गुजरा आपका जब बच्ची आपके पास नहीं थी? आपके नहीं थी, क्या ख्याल आते थे? बस कभी ज़ैनब का वाकया आता था, कभी किसी का वाकया आता था। मैंने कहा अगर रात गुजर गई तो बच्ची नहीं मिलेगी। आपको ये था कि रात गुजर गई तो नहीं बच्ची मिलेगी, पता नहीं कोई कहां ले गया होगा। वुरसा कैसे ना होते परेशान और पुलिस कैसे ना आती हरकत में, पुलिस तो पहले ही खोज में थी शैतान के। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, वो क्लू मिल गया। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज मिलती है जी, उसमें आइडेंटिफाई कैसे हुआ कि यही वो बंदा है जो बच्ची को लेकर जा रहा है? वो जो बच्चे थे स्कूल में उनका जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने उसका फीचर्स उसके बताया कि वो उस दाढ़ी वाला था, तो उन बच्चों को फिर उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि यही अंकल था। और ये स्कूल से कितनी दूर पहला कैमरा आप लोगों को मिला सीसीटीवी का? ये अप्रॉक्सिमेटली 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर। तो यानी आप लोगों को इतनी रैकी करनी पड़ी उसके हवाले से? अल्लाह ताला ने खास फजल किया कि वो उसमें क्लियर आ गया, क्योंकि इससे पहले भी इसने जो वाकयात किए थे उसमें ये इसकी इतनी क्लियर फुटेज नहीं थी। मगर अब की बार फुटेज बिल्कुल वाजह थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से ली गई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि कैसे ये शैतान बच्ची को साइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले जा रहा है। जब ये बच्ची 4 फरवरी को अगवा हुई है तो उसके बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इसकी ना खबर को हाईलाइट किया गया, जिसके बाद सीसीटीवी कैमरों की मदद से इस सफाक दिंदा मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया। अभी लोगों के जहन से ज़ैनब का केस नहीं निकला था और ये वाकया हो चुका है। अब 2019 की बात करें हम तो 2019 में ये पहले 2 माह में तकरीबन 4 से 5 केस
रजिस्टर्ड हो चुकी हैं जिसमें बच्चों को अगवा किया जाता है और बाद में जिनसी दरिंदगी का गुजरांवाला में ये सिर्फ गुजरांवाला के 152 माह में ये वाकयात हो चुके हैं और उनमें से तीन में ये बंदा मुलजिम तीन में ये बंदे हैं। जिस तरीके से बच्ची को अगवा किया गया, जैसे स्कूल की तालबात में खौफ और हिरास फैलाया गया, ये इंकशाफ परेशान कर देने वाला था। ये आप देख सकते हैं कि ये गली में स्कूल आपने देखा, पीछे स्कूल है और बच्ची जब अपनी और उसकी जो वालदा थी वो उसको यहाँ पर दोनों बहनों को यहाँ पर छोड़ी गई है। वो पीछे साइकिल से आ रहा था, उसने कहा कि यहाँ बच्चे स्कूल है यहाँ पे, तो उसने इस जगह पर को रोका और ये कहा कि मैं जो तुम्हारी स्कूल में टीचर काम करती है साजिदा उसका भाई हूँ, मैंने आपको नई किताबें देनी है, मेरे साथ चलो। हाँ। यही हुआ था। हाँ, यही उसने कहा है। और वो बच्ची जो थी वो साथ बैठ के चली गई, क्योंकि उसकी बहन थी वो देखती रही, उसे उसको भी ये लगा कि शायद टीचर की जो भाई हैं वो उसको लेके आए। तो क्या ये कभी पहले होता था कि कोई टीचर का कोई लेके जाए? आज तक नहीं हुआ। बस वो बच्ची थी ना, उसे शौक पैदा हो गया मैं टीचर के घर जा रही हूँ। उसे बस ये शौक है कि बड़े स्कूल के बच्चों को भी मिली है रास्ते में उधर पुल के ऊपर, तो उसको उनको कह रही है बाय बाय मैं तो टीचर के घर जा रही हूँ। यूं किताबों के बहाने ये शातिर मुल्ज़िम बच्ची को वरगला कर साथ ले गया। बुरसा कैसे न तड़पते, उन्हें कुछ खबर न थी कि उनकी बच्ची कहाँ है, लेकिन इस शैतान को सब खबर थी। ये जो FIR मेरे ऊपर हुई है हाँ। तो इसके बारे में तो मैं लेकर गया था। अच्छा, क्योंकि इसमें एक सबूत FIR हुई है, तो ये इतना चालाक है कि कह रहा है कि इसकी भी मैं मानता हूँ, बाकियों को मैं नहीं मान रहा। मुझे सिर्फ ये बताओ क्या किया तुमने? उसके जनाब किताबों वगैरह का कह कर लेकर गया। किताबों का कह के तुम बच्ची को वहाँ से लेके गए, फिर कहाँ ले गए? बीवी कहाँ थी तुम्हारी उस वक्त? बीवी घर पर थी जनाब। तुम फिर किससे घर लेके गए? बेटा फोत हो गया था तो बीवी ना मेरी छिले में है। तो तुम्हारा घर खाली था जी, तो तुमने कहा ये अच्छा मौका एक बच्ची को मैं घर ले जाता हूँ। 7-8 साल की बच्ची, अपने जिस मिस्त्री के साथ काम करते थे उसकी बेटी भी 7-8 साल की थी, ये बच्ची भी 7-8 साल की थी, और वो बच्ची जिसके बारे में रिपोर्ट हुई, जिसके बारे में नहीं माना, वो भी इतने ही साल की थी। और मुबैया तौर पर उसके साथ पार्क में ज्यादती करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग वहाँ पर पहुँच गए थे और बच्ची फिर वहाँ से भाग गई थी। उसको भी मुलजिम घर पहुँच गई थी, तो इसलिए केस प्रसून हुआ उसके भाग गया था, और उसमें भी CCTV फुटेज में नज़र आया, लेकिन चेहरा क्लियर नहीं था, इसलिए पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। लेकिन इस वाले मामले में तो ये रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरी बच्ची से बात हुई भी, उसमें सब कुछ बताया हुआ है, तो तुम अपने मुंह से बेहतर है बता दो। बस यही है कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इतनी तुमने हिम्मत दिखाई कि किसी एक मासूम बच्ची को उठा के अपने साथ साइकिल बिठा के दन दन आते हुए दिन दिहाड़े तुम शहर में उसके घर पहुंच अपने उस घर पे ले आते हो, और बच्ची तुमसे पानी मांगती है और तुम उसको थप्पड़ मारते हो? नहीं जनाब, मैंने उसका मुंह बांध देते हो? कोई थप्पड़ नहीं मारा मैंने। ठीक है, चले वो बच्ची झूठ बोल रही, तुम इंतहाई सच्चे इंसान हो। अब बताओ आगे फिर क्या किया, कैसे हुआ इस केस का ड्रॉप सीन? कमसिन तालबा की फैमिली ने जो दर्दनाक सच्चाई टीम इंकशाफ को बताई वो दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कमसिन तालबा कैसे बनी निशाना? वो आदमी कहता मैं तुम्हारे टीचर का भाई हूँ और तुम्हारे टीचर ने मुझे भेजा। एक शैतान ने पूरे शहर को परेशान कर दिया। तोड़े में डाल के तो नहर में फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे इसको धमकियां लगाता रहा। खातून टीचर का भाई बनकर मुलजिम कैसे बिछाता रहा जाल? तुम्हारा घर खाली था जी, तो तुमने कहा ये अच्छा मौका एक बच्ची को मैं घर ले जाता। इमाम मस्जिद के भेस में शैतानी चेहरा बेनकाब। उसकी आंखें बहर आई हुई थी, वो डर गई थी बहुत ज्यादा। आपको उम्मीद थी पुलिस इतनी जल्दी ये सारा काम कर देगी, और स्पेशली इस केस में तो पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया, पूरी मदद की थी। आपको कब लगा कि पुलिस के पास पहला कोई क्लू आ गया या कोई उनको एक आइडिया हो गया कि यहाँ पर बच्ची है? कितने बजे आपको लगा कि पुलिस को पता है? तीन को ना सानू पता लगा सी कल मिल जाएगी। अब मिल फोन के बाद आपको लगा कि मिल जाएगी? हाँ जी। ठीक, फिर मैं उन्होंने कहा भाई तुहाडे चो एक जना मेरे नाल बैठिए, और फिर मैं उन्होंने नाल बैठा वा, अही जिथों जिधर वो गया उधर ही असी गए हाँ, जिथे जिथे नज़र आया, जिथों सानू नहीं नज़र आया फिर सानू यकीन होया गया इन्ने को एरिए च। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज ने पुलिस का काम काफी हद तक आसान कर दिया और पुलिस टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच गई। क्लू मिलता है और वक्त गुजरना शुरू हो जाता है, ऊपर से प्रेशर भी आता है सारी बात है बड़े ऑफिसर्स का कि ये इतना हीनियस क्राइम और जैनब वाले वाकया के बाद सारे वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से बहुत ज्यादा ये हाई प्रोफाइल बन जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि फिर उसके बाद उम्मीद थी किरण कब नजर आई, क्योंकि नॉर्मली ऐसे केसेस में होता है कि बच्ची को मोलेस्ट करने के बाद जान से मार दिया जाता है, आपको उम्मीद थी बच्ची जिंदा मिल जाएगी या बाजियाब हो जाएगी? जी, वो अल्लाह ने ख़ास मेहरबानी की, जब हमने टीमें कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो डॉल्फिन फोर्स है, जितनी बाकी लोकल बाइक्स हैं, पूरी स्ट्रेंथ हम हमारी उधर इलाके में रही, और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पे, सोशल मीडिया ने इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया, सिविल सोसाइटी के बंदे साथ लग गए,
तो वो इलाके में लोगों को जो बंदे हमारे इन्फॉर्मर्स थे उन्होंने फिर बताया कि इस तरह का बंदा एक फ्लॉ टाउन में देखा गया तो उसे और जो जहाँ से बच्ची अगवा हुई है उधर से वो टाउन कितना दूर था ये तो 4-5 किलोमीटर। आखिरकार पुलिस पहुंच गई कहा कि उस घर में जहां रिहायश पजीर था ये शैतान। हमें जब उसका उस पर शक हुआ उस जो इसने रेंटेड एक कमरा लिया हुआ था तो उसमें इसने बाहर से भी लॉक किया हुआ था अंदर दूसरी साइड से भी लॉक किया हुआ था तो ये पता चल रहा था बाजार के इधर कोई बंदा नहीं है। उसमें पुलिस ने रैकी करके एंट्री की बहुत हफ्ते में अच्छा वो वहाँ पर वो बची उधर से फिर बरामद हुई थी बाद में फिर वो अलग जगह से गिरफ्तार हुआ। अच्छा बच्ची किस कंडीशन में थी बच्ची के साथ क्या हुआ? बस नाकाबिले बयान ही है अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत बचा ली है जिंदगी भी बचा ली है लेकिन ज़ाहिर है उसने बेरुनती तो उसकी की बच्ची को टॉर्चर किया उसने। अच्छा शी वॉज इन ट्रामा और वो बात ही नहीं कर सकी 3-4-5 घंटे तक तो उसकी आंखें बाहर आई हुई थी वो डर गई थी बहुत। इस भेड़िए ने बच्ची के साथ कौन सा भयानक खेल खेला हम नहीं चाहते थे कि ये सब मासूम बच्ची से पूछकर उसे वो तल और खौफनाक लम्हात याद कराएं। तभी तो हमने इस बच्ची से बात नहीं की और ना ही उसकी शक्ल दिखाई तहम बच्ची की माँ ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर पाँव के तले जमीन सरक गई। मैंने बच्चे यहाँ से हटा दिए मैं जाहिर बात है उनसे ये बात नहीं पूछना चाह रहा कि उस वक्त क्या हुआ जब वो उसके साथ गई तो जाहिर बात है उसने अपनी वालदा से शेयर की होगी सारी बात कि वो लेके कहाँ गया क्या क्या उसकी दिमाग में था क्या बच्ची को कहता रहा तो क्या बताया आपकी बेटी ने आपको आके? मेरी बच्ची ने बताया था कि उसने जब मुझे वो कमरे में ले गया ना तो मेरा मुंह बांध दिया उसने ना मैंने उससे पानी मांगा और उसने मुझे थप्पड़ मारा है। ठीक है तो वो बच्ची को कहता था कि मैंने आपको छोड़ना नहीं है या तो आपकी अम्मी मुझे पैसे देगी तब छोड़ूंगा या मैंने आपको मार देना रात को। ठीक है मैं नहर में फेंक दूंगा आपको। ठीक है मैं तोड़े में डाल के तो नहर में फेंक दूंगा ऐसे ऐसे इसको धमकियाँ लगाता रहा। उसको रजाई में डाल दिया था मुंह बांध के तो वो कह रही थी मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था और वो बच्ची थी जाहिर वो सहम गई थी। उस बच्ची पे तशद्दुद भी उसने किया? जी अल्लाह का शुक्र है कि बचत हो गई। तो जब बच्ची आपके पास आई घर पहुंची तो वो नॉर्मल कब हुई कब वो अपने हवास में वापस आई सारी बात है इतना एक जी वो तो रो बिल्कुल वो तो रो ही बड़ा रही थी वो तो कुछ ना बता रही थी बस ऐसे कांप ही जा रही थी। 3-4 घंटे बाद उसने को थोड़ी सी बात की है हमने फिर उसको सारी रात नहीं बुलाया उसको कहा कि आराम करो। अगले दिन भी लोग बड़े घर में आ जा रहे थे रिश्तेदार भी थे मोहल्ले में से बड़ी औरतें आ रही थी लेकिन हमने किसी को भी किसी किस्म का उससे सवालात नहीं करने दिए बस उसको किताब दे दो मोबाइल दे दो कि वो ध्यान लगी रहे। अल्लाह का शुक्र है कि अगले दिन तक वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो बातें करने लगे जी लेकिन अभी भी वो डरती है कहती है मैं पास ही रहना सुबह उसको चोट लगी थी मैं इसलिए छोड़ गई थी वरना वो मेरे साथ ही जा रही मैं अपने पास ही रखती हूँ। तो ये स्कूल जाने से बच्ची डरने लग गई है? जी लगता है ऐसे सदमात से बाहर आते हुए और खासकर मासूम बच्चों के लिए इन जानलेवा यादों के अजाब से निकलना आसान नहीं होता। इस भेड़िए ने जुल्म की इंतहा कर दी ताहम ऑन कैमरा उसने पूरी कोशिश की अपने इस घिनौने जुर्म पर पर्दा डालने। अब बताओ आगे फिर क्या किया? पुलिस अफसरान मौके पर पहुंच गए थे उन्होंने पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे हैं रात को 8 बजे बच्ची बाजियाब हुई है सुबह 8 से लेकर 12 घंटे तक बच्ची तुम्हारे साथ मौजूद रही है? नहीं मैं सर के बच्ची 4 दिन तक बोल नहीं पाई है? नहीं जनाब मेरी बच्ची इतना ट्रॉमा में थी बच्ची उसी दिन और मैं दोनों बाजी आप मुझे ये उसी दिन ना कितने घंटे गुजारे उसने वहाँ पर क्यों बताओ क्यों लेके गए थे? उस किताबें देनी थी जनाब इसलिए ले। अच्छा किताबें देनी थी। ये देखें जी ये है जी हमारे नारोवाल के साहब का इमाम मस्जिद जिन्होंने जो हाफिज़ कुरान भी थे जिन्होंने ना जाने कितने बच्चों को पढ़ाया भी और असल में इनका घिनौना और मकरूह चेहरा ये है कि ये बच्चों को किताबों के बहाने मोलेस्ट करता था। फिर शैतान को पकड़ना और कानून का शिकंजा कसना जरूरी हो गया था वालिदैन का जब्त जवाब दे गया था और आखिरकार पुलिस ने वो कर दिखाया जिसका मुतालबा पूरा शहर क्या पूरा पाकिस्तान कर रहा था। ये दिखाएंगे आपको लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कमसिन तालबात कैसे बनी निशाना? वो आदमी कहता है मैं तुम्हारी टीचर का भाई हूँ और तुम्हारी टीचर ने मुझे भेजा। एक शैतान ने पूरे शहर को परेशान कर दिया। तोड़े में डाल के तो नहर में फेंक दूंगा ऐसे ऐसे इसको धमकियाँ लगाता रहा।
खातून टीचर का भाई बनकर मुलजिम कैसे बिछाता रहा जाल। तुम्हारा घर खाली था जी। तो तुमने कहा ये अच्छा मौका एक बच्ची को मैं घर ले जाता। इमाम मस्जिद के भेस में शैतानी चेहरा बेनकाब। उसकी आंखें बाहर आई हुई थी, वो डर गई थी बहुत ज्यादा। भाई साहब बच्ची तो बाजियाब हो गई, मतलब 12 से 13 घंटों के अंदर, ये मुलजिम कैसे गिरफ्तारी अमल में आई? मुलजम की फिर टेक्निकल असिस्टेंस के बाद उसको उसकी लोकेशन ले ली गई जिस जिधर उसने मैसेजेस किए थे, तो वो विद द अदर डे ही वाज अरेस्टेड और अल्लाह ने मेहरबानी की, वो भाग रहा था तो अल्लाह ताला ने उसको। सर ये कैसे पता चला कि ये पहले भी इस तरह के मामला में मुलविस रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई हुआ? जब भी इसको पकड़ा और इसकी इंटरोगेशन की तो उसमें उसने खुद ही बता दिया था, और चूंकि इसकी पहले भी इस तरह की रिपोर्ट्स थी तो उन्हें बुला के तो उनको चेक करवा दिया, उन्होंने कहा जी यही बंदा था। जी हाँ, आखिरकार जकड़ा गया ये जल्लाद, लेकिन जब तक ये ना पहुँचे अपने अंजाम तक, गुरसा को भला कैसे करार आए? आप क्या कहती हैं, क्या होना चाहिए जल्लाद के साथ? मैं तो कहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आने वाले मुआशरे की तमाम बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि ये मेरी बच्ची जो है ना, ये मुझे सही सलामत मिल गई है तो कोई नहीं, ये बात इतना इशू नहीं लेना चाहिए, नहीं, पूरे मुआशरे की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, इसको फांसी देनी चाहिए और लोगों के सामने देनी चाहिए, ताकि लोगों के दिल, दूसरे भी जो ऐसे इंसान हैं उनके दिलों में डर पड़ जाए। इफ्तिखार साहब आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस आदमी के साथ? भाई इन्हें सजा होनी चाहिए, जितनी भी सख्त सजा होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि सारी बात है जो वालदैन होते हैं वो तो जिस कर्ब से आपको गुजारा उसने, वो तकरीबन 12-13 घंटे ऐसे थे जब आपकी बच्ची आपके पास नहीं थी, तरह तरह के ख्याल, तरह तरह के वसवसे के, इतनी सी बच्ची, इतनी मासूम प्यारी सी बच्ची, इसके साथ ना जाने क्या क्या हो सकता है, जिंदा भी आएगी वापस कि नहीं जिंदा आएगी, लेकिन खुशकिस्मती से बच्ची महफूज रही, बच्ची अपने माँ बाप के पास आ चुकी है, लेकिन वो जिस कंडीशन में है और जिस ट्रामा से वो गुजर रही है, वो जाहिर बात है उसका तो कोई भी इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता, तो वो बच्चा ही जानता है कि उसको कितनी तकलीफ और कितना खौफ महसूस होता होगा। दिलशाद आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए इसके साथ? फांसी होनी चाहिए इन्हों, सारी आवाम के सामने, दूसरे भी पता लगे कि अगुआ ही यह काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं और ये लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ठीक है, हमारे कानून में इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप किसी को सरेआम फांसी दें, लेकिन जो बच्चों के साथ ज्यादती में मुलविस अफराद हैं उनको सरेआम फांसी देनी चाहिए। आप खुदारा इस हवाले से लेजिस्लेशन करें, कोई कानून साजी करें, इनको निशान इबरत बनाएं, ताकि हमारे बच्चे महफूज रहें, वो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जिनके माँ बाप ने जाने किस तरह से मेहनत मजदूरी करके इन बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, इन बच्चियों को हमने महफूज करना है, महफूज रखना है, और इसके लिए कानून साजी ज़रूरी है हमारी पार्लियामेंट में। और खुदारा इस तरफ तवज्जो दें, क्योंकि ज़ैनब चली गई, कायनात बतूल की जो कंडीशन है वो आपके सामने है, अभी एक बच्ची सहमी भी हमारे सामने है, फिर जब भी लाहौर में वाकया हुआ, ईमान फातमा, मतलब कितने बच्चे हैं जिस तरह से इस जल्लादों का शिकार हो रहे हैं, तो खुदारा इनको सरेआम फांसी दें और इस हवाले से कानून साजी जल्द अज जल्द करें। ऐसे शैतानों को निशाने इबरत बनना चाहिए। अब होश ठिकाने आए हैं इस शैतान के, अब एहसास हो रहा है इस भेड़िए को अपने इस घिनौने जुर्म का। कुछ शर्मिंदगी है, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ? बस अल्लाह के आगे अंगड़ गिरा रहा हूँ, और तकरीबन मेरा 12वां 13वां रोज़ा है। तुम्हारे रोज़े देखिए, क्या रोज़ों की बात सुना रहे हो, तुमने रोज़ा रखा है, तुम्हें रोज़ा रखा है तो तुम किसी बच्चे को मोलेस्ट कर सकते हो? गलती हो गई, गुनाह हो गया अपने, गुनाह तीसरी बच्ची, और ना जाने वहाँ पहले जिस जहाँ से तुम आए हो वहाँ कितने बच्चे इस इंसान ने मोलेस्ट किए होंगे? नहीं, कोई बच्चा नहीं मैंने। हाँ, तुम तो इनको नहीं मान रहे हो, जिन जहाँ तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, जहाँ उस बच्ची ने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ। अफसोस होता है ऐसे अफराद को देखकर, ऐसे भेड़िए किसी माफी के मुस्तहिक नहीं, इस जानवर को सजा तो मिलेगी, वो भी सख्त सजा। ये बताइएगा कि ये जो मुलजिम है, अब इसके ऊपर क्या क्या चार्जेस हैं और उसके साथ क्या होगा? इसको मैं जब ये जेल गया था तो आइडेंटिफिकेशन परेड हुई है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे ऑफिसर्स जो हैं सीनियर्स, उन्होंने कहा था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड करवाएं। वो आइडेंटिफिकेशन बच्ची ने भी और तमाम गवाहों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब ये किडनेपिंग फॉर रैनसम और किडनैपिंग सिंपल, इसमें भी ये जाएगा इंशाल्लाह ताला, इसको सजा होगी, केस बढ़ गया, वो भी उस पे अलहदा चार्ज होगा। यकीनी तौर पर यह मुलजिम तो अपने अंजाम को पहुंचेगा, लेकिन क्या वो स्कूल अब महफूज है जिसके बाहर हुई ये वारदात? क्या वहां नहीं होगा कोई ऐसा वाकया दोबारा? इस बार
اچھا صاحبہ اب کیا احتیاطی تدابیر اپنائی گئی ہیں؟ کوئی اس کے بعد اتنا بڑا ہیریس کرائم کمٹ ہوا تھا، اب کیا آپ لوگوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے؟ میں نے گارڈ رکھے ہیں اور وہ صبح 7 بجے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ادھر بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی کوئی آتا جاتا ہے نا تو وہ بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں نا، کوئی رکشے پہ آتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ، چاند گاڑی پہ، چنگچی پہ، اسی طرح آتے ہیں، تو وہ میں نے گارڈ رکھا ہے اپنے طور پہ، تو وہ بچوں کی حفاظت کوئی میرا بچہ باہر نہیں اب جاتا، ٹھیک ہے، جو کام میں نے کروانا تھا وہ کھا لیں۔ حفاظتی انتظامات ضروری ہیں، ٹیچر سے والدین تک، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے شیطانوں سے محفوظ بنائیں، انہیں سمجھائیں، دوست بن کر وہ ساری باتیں بتائیں جن کے بارے میں جاننا بچوں اور بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں ایسے شیطانوں سے۔ اسی کے ساتھ ہی مکرم کلیم اور ٹیم انکشاف کو دیجیے اجازت، لیکن دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا اگلا انکشاف۔